जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। डीडीसी इलेक्शंस के परिणाम आए हैं जम्मू कश्मीर में, वे भारत सरकार के नीतियों का जीत है। आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। हमें मर मिटाने की ताकत, हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है। हमें मर मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के हाथ में है और फिर उसके बाद यहाँ के आवाम के हाथ में है। करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। कभी ना कभी तो आपका झूठ झूठ ही साबित होगा। लेकिन हमें भी मान के चलना होगा कि कुछ जगहों में जमात में कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं। कुछ जगहों में जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि हम कामयाब होंगे, हम वहां सीट नहीं निकाल पाए। अब इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब अगला इलेक्शन बहुत दूर होगा, जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। जो डीडीसी इलेक्शंस के परिणाम आए हैं जम्मू कश्मीर में, वे भारत सरकार के नीतियों का जीत है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का निर्वहन किया, उसका जीत है। और विशेषकर जम्मू कश्मीर जनता का ये बड़ा जीत है, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रणाली पर अपना जो मुहर है वो लगाया है और हमारे संवैधानिक प्रक्रिया को स्वागत किया, स्वीकार किया है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को फिर एक बार दर्शाया। जम्मू में बड़ी संख्या में 71 सीट्स जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने जीता और पहली बार सीधे चुनाव में घाटी में भी 3 स्थानों पर विजय प्राप्त करके एक पैन जम्मू कश्मीर पार्टी के रूप में अपने आप को प्रस्थापित किया है। और विशेष बात यह है कि 74 सीट्स जीतकर बीजेपी नंबर वन है, 67 सीट्स के साथ एनसी नंबर 2 पर है। पर वोटों का आप देखेंगे, लगभग 5 लाख वोट बीजेपी को मिले, 2.9 लाख वोट मात्र मिले एनसी को। यह भी बताता है कि इस समय उस राज्य में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का रुझान तगड़ा है।